हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी के सामने यहां पर एक नोटिस दिख रहा है जो एसोसिएटेड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग यहां पर जो है दी गई है एनएचएम डिपार्टमेंट को। यानी कि दोस्तों आखिर एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए क्या यहाँ पर अपडेट है, क्या उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एनएचएम डिपार्टमेंट को दी गई है, आखिर इस नोटिस का यहाँ पर क्या कारण है, यह एक सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवारों के लिए है। और आप सभी को जैसा कि पता ही है कि यूपी एनएचएम के अंदर 21 तारीख से यहाँ पर जो है कार्य बहिष्कार कर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, अपनी प्रक्रियाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर जो है नोटिस भेजी गई है, विज्ञापन भेजे गए हैं और प्रशासन द्वारा उनसे नियमित परमिशन लेकर इस आंदोलन को सफलतापूर्वक किया भी जा रहा है दोस्तों। और उनके तरफ से फिर से एक घेराव भी किया जाएगा जो डेट मेंशन की गई है। तो क्या इस प्रक्रिया से यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो उम्मीदवार, जो कार्यकर्ता या यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उससे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस वाले उम्मीदवारों को कोई भी यहाँ पर क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल उनके मन में बना हुआ है। क्या उम्मीदवारों को इनसे जुड़ने से कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये नोटिस देख सकते हैं कि पहले ही दोस्तों यहाँ पर प्रशासन द्वारा और एनएचएम डिपार्टमेंट साथ ही यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर भेज दिया गया था। इसमें यहाँ पर जो एसोसिएटेड है उनकी मांगे हैं, उनकी 5 मांगे हैं और वो 5 मांगों के लिए यहाँ पर लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। पर क्या प्रयास में, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी प्रयास इसमें यहाँ पर जो है उम्मीदवार आ रहे हैं, क्या उन्हें यह सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक नया नियम लागू किया गया था AMS को लेकर, यानी कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर। उसमें कहा गया कि जितने भी यहाँ पर जो है संविदा कर्मी विभाग द्वारा हैं उन पे ही ये नियम क्यों लागू होगा, लागू होगा तो हर एक विभाग पे अंदर AMS की प्रक्रियाओं को लागू किया जाए। दूसरा जो है CHO के गाइडलाइंस के अनुसार से 6 साल से अधिक होने पर यहाँ पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को नियमित किया जाए, यानी कि परमानेंट करने की बातों को लेकर उठाया जा रहा है। तीसरा जो है सामान्य वेतन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 15,500, यहाँ पर 15,000 दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं 25,000 प्लस यहाँ पर 15,000 जो इंसेंटिव मिलती है। और साथ ही यहाँ पर जो है NHM द्वारा जो ग्रेड यहाँ पर जो है 4800 ग्रेड के पूर्ण रूप पर उन्हें वेतन मिलना चाहिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, यहाँ मंगौली, यहाँ मीनापुर के अंदर जो उम्मीदवारों को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों इसते हैं कि बताया जा रहा है कि ELE की व्यवस्था, यानी कि AMS लागू करने वाले यहाँ पर जो है कैडेट्स के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की तहत वर्ष यहाँ पर जो है 30 अर्न लेवल या अर्थात 24 कैजुअल लेवल के स्थाई किया जाए इन चीज़ों को लेकर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो उनकी 5वीं मांग है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पे जो स्थानीय ग्रेड की, यानी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को भी चालू किया जाए, क्योंकि वो परिवारिक के जो है परिवारिक की प्रक्रिया है उसे भी संभाल सके, इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर मांगे रखी गई हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर जो है लगातार जो प्रक्रिया चल रही है और उनके तरफ से यही बताया गया है अगर इन चीज़ों पर जल्द से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 21 और 27 के बीच में यहाँ पर जो है काला पट्टा बांधकर यहाँ पर जो है बांधकर ऑनलाइन यहाँ पर जो है ऑनलाइन कार्य को बहिष्कार किया जाएगा। और 28 तारीख को अगस्त के माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर यहाँ पर जो है घेराव किया जाएगा और यहाँ पर राष्ट्रीय मिशन द्वारा लखनऊ पे जाकर धरना प्रदर्शन भी इन चीज़ों को किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो उम्मीदवारों की प्रक्रिया है वो अपनी मांगों को लेकर है। जो उम्मीदवार 6 वर्ष से हैं जिन्होंने AMS को लागू किया वो सब पर होने चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर अलग अलग प्रक्रियाओं को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही हैं, पर क्या इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या उन्हें इसमें कोई हल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो सारे यहाँ पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, अगर उनसे रिलेट करते हैं आप सभी, तब जाकर जो आप सभी की मांगे हैं वो रख सकते हैं
और रखने के लिए दोस्तों आप सभी को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर यह प्रक्रिया पूरी होगी। अगर दोस्तों सोचेंगे कि अगर एक या दो उम्मीदवार जाकर इन प्रक्रियाओं को पूरा करें, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। और अगर जब तक यहाँ पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के उम्मीदवार अगर जब तक जाएंगे नहीं उस प्रक्रिया में, उस आंदोलन में, उस घेराव में, तब तक उनकी भी प्रक्रियाओं को इसी तरह से टाला जाएगा जिस तरह से वेटिंग की प्रक्रियाओं को टाला जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप यह प्रक्रिया में अगर सोचेंगे कि हमारे बातों को उठाया जाएगा, पर उन बातों को उठाने के लिए आपका शामिल होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस नोटिस से कोई भी आपको इनडायरेक्टली लाभ नहीं होने वाला है, लाभ तभी होगा जब उन प्रक्रियाओं में आप शामिल होंगे। तो इस नोटिस के माध्यम से उम्मीदवार पूछ रहे थे कि सर क्या इस नोटिस में हमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वाले उम्मीदवारों को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब तक इस प्रक्रिया में उम्मीदवार शामिल नहीं होंगे तब तक यह जो नोटिस है इसमें से कोई भी आप सभी को लाभ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यही अपडेट थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई नई अपडेट आएगी यहाँ पर 5568 पद को लेकर, तो आप सभी को जरूर शेयर किया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।